हाय फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है MG कॉमेट, ये छोटी गाड़ी, उसकी चाबी। और ये जैसे जैसे मैं पास आता हूँ, आप देखिए, ये अपने आप से यहाँ पास आने पे ऑन हो गई। ये गाड़ी इतनी छोटी है, कितनी छोटी है, नैनो आपने अगर देखी होगी तो नैनो से भी छोटी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, और काफ़ी सुंदर लग रही है। आइए आपको फटाफट कुछ फीचर्स आपको बता देते हैं इसके बारे में क्या कुछ है। जिस तरह से आप ये डोर देख रहे हैं, पहले तो ये डोर देख लीजिए, टू डोर है ये गाड़ी और फोर सीटर है, तो जाहिर सी बात है कि डोर बड़ा ही विशाल बड़ा, और शीशे भी इसके जिस तरह से दिख रहे हैं वो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं, और एक बड़ा सा लुक सामने आ रहा है। इधर आइए, अगर आप फ्रंट से अगर गाड़ी को आप देखते हैं, ये लाइट जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो पूरे टाइम जलती रहेगी, जो इस गाड़ी को एक विशालता देती है। दो लाइट यहाँ पर लगे हुए हैं, LED लाइट है, ये नॉर्मल लाइट है, ये भी LED है, जो इंडिकेटर है सेम इधर भी ऐसे ही है। ये वो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो है चार्जिंग का पॉइंट। ये देखिए, यहाँ आप अपने आपके घर में जो पावर प्लग होते हैं वहाँ उसके ज़रिए इसे चार्ज कर सकते हैं बहुत ईजिली, 6 से 7 घंटे में ये गाड़ी चार्ज होती है। तो चार्जिंग का एक ये पॉइंट है। यहाँ पर सर देखिए, वाइपर दिया हुआ है। नॉर्मली जैसे छोटी गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें सिंगल वाइपर ही होता है, लेकिन यहाँ पर 2 वाइपर आपको मिलेंगे। एक ये जगह आपको जो मैंने देखा, मुझे लगा कि ये कैमरा है क्या, लेकिन नहीं, ये कैमरा नहीं है, ये सिर्फ ये जगह दी हुई है। कहीं ना कहीं शायद कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रखते हुए MG ने यहाँ पे वो कैमरा इंस्टॉल नहीं किया है, तो 360 का जो एक मज़ा होता है वो आप नहीं ले पाएंगे। आइए ज़रा साइड से देखिए किस तरह से। अच्छा, इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, मेरी 5 फीट 10 इंच हाइट है, तो एक अंदाज़ा लगा के आप देखिए मैं खड़ा हूँ तो ये साइज़ कितनी होगी गाड़ी की। इसकी जो ख़ास बात है इस गाड़ी की वो यही है, ये छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी है। और जो इस MG का जो मोटो रहा है इस गाड़ी को लेके, वो ये कि बाहर से ये गाड़ी छोटी दिखे और अंदर से बड़ी। अंदर भी चल के देखेंगे कि कितना जगह है इसमें। साइड से आइए, देखिए इस तरह से इसका लोगो वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये लाइट आपको जो फुल टाइम जड़ी अगर ये जलती है तो एक बड़ा लुक और विशाल लुक देती है। कॉमेट का यहाँ पे बैज है इस तरह से, EV यहाँ लिखा हुआ, इंटरनेट इनसाइड यहाँ इसने लिखा हुआ है, यानी फ्लॉन्ट कर रहा है एक तरह से MG कि इसके अंदर आपको इंटरनेट मिल जाएगा। और ये फीचर है भी, आपको इंटरनेट के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ट आपको ये मिलेगा। ये साइड के लाइट्स हैं। इधर भी अगर आप आकर देख लें तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये गाड़ी मज़ेदार है। हाँ, अगर जिनको एक बॉक्सी लुक, बॉक्स वाला लुक अगर किसी को पसंद ना हो, जैसा कि वैगनार का है आपने देखा होगा, तो कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी बाहर से प्यारी लग रही है। आइए अब अंदर लेके चलते हैं और अंदर के कुछ फीचर्स से आपको परिचित कराते हैं। कॉमेट के पीछे का हिस्सा भी अपने आप में हर गाड़ी में वैसे महत्वपूर्ण होता है कि पीछे से गाड़ी कैसी लग रही है, तो ज़रा इसे भी देखिए कैसी लग रही है। देखिए, पार्किंग सेंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स ही हैं, तो वो तो दिया ही है इसने। ये इसके अलावा ये कैमरा भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा, रियर व्यू कैमरा, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में आजकल नहीं मिल रहा, थार जैसी गाड़ियों में आपको ये कैमरा नहीं मिलेगा, इसने यहाँ दिया हुआ है। ओवरऑल देखिए, ये लाइट आपको देखिए कितनी प्यारी लगेगी अगर ये गाड़ी जलती है पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो बड़ी सुंदर लगती है। अब एक बड़ी बात होती है गाड़ी के बूट स्पेस की, तो आइए ज़रा देखते हैं कि बूट स्पेस का क्या हिसाब किताब है यहाँ पर। ये देखिए भाई साहब ने जो जगह दी है वो इतनी सी, अब देखिए बहुत शिकायत भी आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि गाड़ी है छोटी, तो आप अगर बूट स्पेस भी देगा तो फिर छोटी कहाँ रह जाएगी। ये देखिए, मेरा छोटा सा बैग है, बस ये इसमें आ पाया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आप इसमें स्पेस बनाना चाहें तो है इसका जुगाड़। इसको आपको खींचना है, पीछे वाली जो 2 सीट है इसको ऐसे लटा दीजिए और यहाँ पे बेहतरीन जगह बन जाएगी, अच्छी खासी जगह बन जाएगी। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं और थोड़ी बहुत जगह आपको ज़रूरत है या कोई सामान रखना, तो खूब आसानी से यहाँ पे सामान रखा जा सकता है। तो ये एक फीचर है यहाँ पर, शानदार मस्त। आइए अंदर लेके चलते हैं, अंदर का भी मज़ा दिखाते हैं। चलिए भाई, जो MG दावा करती है कि गाड़ी से बड़ी दिखेगी, तो ये ज़रा फील आपको लेकर दिखाते हैं। देखिए, पहले आप देखिए गाड़ी में अंदर आने के बाद गाड़ी ऑन है, लेकिन चलने वाले मोड में लाने के लिए आपको इस ब्रेक पे 2 बार पैर दबाना है। इसके बाद अब ये गाड़ी पूरी तरह से रेडी है। गाड़ी चलेगी कैसे,
सिंपल सा तरीका है इसका, ये ऑटोमेटिक का जो मज़ा आप लेते हैं गाड़ियों में वो यहाँ पे आपको मिलेगा। एक पैर सिर्फ काम करेगा जो ब्रेक और एक्सीलेटर। यहाँ पे तीन मोड दिए हुए हैं, इन तीन मोड के जरिए आप इस गाड़ी को चलाएंगे। रिवर्स है यहाँ पर, न्यूट्रल है और साथ ही ड्राइविंग मोड। ड्राइविंग मोड में ला के आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, दो यहाँ पे स्क्रीन दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए। मज़ेदार लग रही है गाड़ी, एकदम मस्त। मतलब ये जो 10.25 इंच के जो स्क्रीन है ये इंफोटेनमेंट का हिस्सा है, और ये गाड़ी के जितने फीचर्स हैं वो तमाम चीज़ें बताएंगी, और जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो सब इसमें दिखता रहेगा, चाहे आपके दरवाजे खुले हों, सीट बेल्ट लगाई हो ना लगाई हो, पार्किंग की लाइट जल रही है या फिर आप आगे बैक लाइट, कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो भी है वो सब मिलेगी। साथ ही साथ इसमें एक फीचर और भी है, टायर में अगर हवा नहीं है ना तो वो भी आपको पता चलेगा। मस्त है। जगहों की बात अगर कर लेते हैं इस गाड़ी में, जो मुझे बहुत ही अपील करती है, आई थिंक जो भी छोटी गाड़ी लेगा वो ज़रूर ये चीज़ देखेगा कि जगह इसमें कितनी है। मतलब ऐसा तो बहुत कंजेस्टेड लग रही है। तो देखिए, ये मेरा पैर है और यहाँ पर देखिए अच्छी खासी स्पेस मुझे मिल रही है। थोड़ा सा और अगर मैं पीछे कर लूँ तो आराम से मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरा साथी अगर कोई यहाँ बैठेगा तो उसके लिए भी एम्पल ऑफ स्पेस है पैर रखने के लिए। बाकी स्पेस की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ सामान रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये जो यूजली गाड़ियों में एक होता है ना कि जो एक ग्लोव कंपार्टमेंट होता है जहाँ आप अपनी ज़रूरत की सामान जो है यहाँ पे सब लोग रखते हैं, ये जगह फिक्स होती है लगभग सभी गाड़ियों में, यहाँ पे वो उतना बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है, वही बात, ये गाड़ी छोटी है, कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट होगा ना। तो ये देखिए, ये इतनी सी जगह है बस यहाँ पे। लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ देख लें तो यहाँ एक कप रखने के लिए जगह है, सेम यहाँ पे भी वैसे ही यहाँ पर है जगह। साइड में डोर पे यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, यहाँ पे भी आप एक कप रख सकते हैं। साइड में सेम वैसे ही लैपटॉप रख सकते हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ रखने के लिए अच्छी खासी जगह है। मतलब आपके साथ ही साथ ये नॉब दिए हुए हैं इस तरह से, अगर आप मार्केट जाएं कुछ सामान खरीदें और आपको लगे कि ये जगह का इस्तेमाल करना है, कोई नहीं बैठा है, तो आप इन सबों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार चीज़ें हैं। वो शीशा जो आपको साइड में दिख रहा है पूरी तरह फुली ऑटोमेटिक नहीं है यहाँ इस नॉब के ज़रिए, लेकिन अंदर का जो मिरर है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। हमने इस गाड़ी को चला कर देखा, एसी को हमने फील किया, मतलब अच्छी खासी ठंड, अच्छे तरीके से ठंड कर रहा है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी कलर, लेदर और सीट की क्वालिटी सब मज़ेदार लग रही है। तो ये जो पूरा ओवरऑल अब अगर आप नज़र डालें तो कहीं से कुछ एक चीज़ है जो मैं भी सोच रहा हूँ कि पीछे अगर कोई बैठेगा, और मैं यहाँ से जो देख पा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि पीछे बहुत कम जगह है, तो ज़रा उसे भी देखेंगे, आजमाएंगे पीछे चलकर। आइए पीछे चलते हैं। मैंने जैसे कहा कि पीछे चल के देखो, आप बताता हूँ आपको कि पीछे क्या किस तरह का स्पेस है। देखिए, अंदर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो ड्राइविंग सीट की तरफ से और दूसरी तरफ से। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मे बी वहाँ पे कोई बैठा हो तो आप पीछे कैसे जाएंगे। सिंपल है कि यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, इसको आपको खींचना है और ये आगे कर देना है, और आपको एंट्री ले लेनी है। निकलने के लिए भी ऐसा ही कुछ करना है आपको। देखिए, यहाँ मैं ऐसे बैठ गया। अच्छा, बड़ी बात यह, अच्छी बात यह है कि अक्सर गाड़ियों में जब इस तरह की सेवन सीटर गाड़ियाँ होती हैं, और जब इस तरह के उसका स्नॉब का इस्तेमाल करके आप पीछे जाते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप अकेले भी ये काम कर सकते हो। तो ये मैं अंदर बैठा हूँ और आराम से मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा जगह है, और ये ड्राइविंग सीट, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और मैंने सबसे पीछे लास्ट तक इसको किया हुआ था, उसके बावजूद भी देखिए 5 फीट 10 के आसपास मेरी हाइट है, बावजूद इसके यहाँ पर मुझे बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब कोई बहुत लंबा हो तब की बात अलग है, लेकिन फिर भी तब भी थोड़ा बहुत स्पेस बच रहा है, आराम से यहाँ कोई बैठ सकता है। जो आप मेरे सर के ऊपर से अगर आप एक बार नज़र डालें यहाँ पर, तो ये स्पेस भी मायने रखता है कि आपको वो कितना मिल रहा है। तो ये भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप टकरा जा रहे हैं इससे। तो ये यहाँ पीछे का जो मैं बता रहा था वो स्पेस पर्याप्त है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दो लोग यहाँ पे बैठ के आराम से जा सकते हैं। तो भाई, इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको एक चीज़ तो ज़रूर अभी दिमाग में आ रहा होगा ना कि छोटी गाड़ी है और चार्जिंग से चल रही है तो स्पीड क्या होगी इसकी। तो देखिए, तीन मोड है इसमें, इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड। जब स्पोर्ट्स मोड में आप आएंगे तो 110 की स्पीड दे सकती है ये इजीली। खर्च की बात कि भाई इस गाड़ी का खर्च क्या आ रहा है, तो कैलकुलेट करके जो एक खर्च निकाला गया है
वो समझ लो आपकी जो एक पिज्ज़ा में जो एक खर्च आता है, एक पिज्ज़ा में तकरीबन 500-600 रुपये, तो वो खर्च है महीने का, ठीक है। और वन गो में मतलब फुल चार्ज करने के बाद ये गाड़ी वन गो में 220 किलोमीटर जा सकती है, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी शहरों में और जिस तरह से आप रोकते हुए चलते हुए जाते हैं तो उसमें कम से कम 180-190 तक तो गाड़ी चल ही जाएगी। तो ये तमाम बातें हमने आपको बताई। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताना भूल ही गया, जब गाड़ी आप चला रहे होंगे ना और जब ब्रेक मारेंगे तो रीजनरेशन का इसमें ऑप्शन है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, खुद से चार्ज भी करती है। जब जब आप रोकेंगे तो बैटरी समझिए कि चार्ज भी होने लगेगी। तो ये आज तक ये एक नया तरह का फीचर है जो कुछ गाड़ियों में आ रहा है, इसमें भी है। तो ये तमाम बातें हमने आपको बताई। अच्छा, महत्वपूर्ण बात प्राइस क्या है, तो प्राइस इसकी आ गई है 7,98,000। ये एक शोरूम प्राइस है। अगर आप इसको ऑन रोड ले आएंगे तो कुछ ना कुछ 90,000 या 1,00,000 के आसपास और एड ऑन हो जाता है। टाटा टियागो भी है इसी रेंज में, मतलब एग्जैक्ट ये रेंज नहीं, थोड़ा सा इससे 70-80,000 और ज़्यादा लगा के आप एक थोड़ी सी नॉर्मल जो गाड़ी है वो भी एक लेने का ऑप्शन है। लेकिन आप तय कीजिए कि आपको लेना क्या है, सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है कैसे ही है ये गाड़ी। जाते जाते एक और अहम बात बता दूं कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर मुझे थोड़ा सा शक था, हमने गाड़ी चला कर देखी, ठीक ठाक है। जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो गाड़ी रास्ते पे आपको मिलते हैं वो पार कर जा रही है। शॉकर और जिस तरह से कम्फर्ट होना चाहिए वो एग्जैक्टली नहीं है, अब वो कहीं ना कहीं एक सीमाएँ हैं। और गाड़ी की जो प्राइस है, जो साइज़ है और गाड़ी पलटे नहीं, सबको ध्यान में रखते हुए तमाम चीज़ें बताई गई। ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। तो मैं तो जा रहा हूँ अपने ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव पे मज़ा लेने के लिए। आप तय कीजिए क्या करना है आपको। बाय बाय।